शहर स्थित छात्रावास की छात्राओं को ठंडे पानी में नहाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। एक और तो बेटी शिक्षा को लेकर सरकार की ओर से बहुतेरी जतन किए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर कॉलेज छात्राओं को सुविधाओं के नाम पर परेशान होना पड़ रहा है। राजकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर में स्थित राजकीय सावित्री बाई फुले छात्रावास में विभिन्न कक्षाओं की करीब 70 से अधिक छात्राएं रहकर पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन इन छात्राओं को जहां बरसात में छात्रावास तक पहुंचने में परेशानी उठानी पड़ती है, वहीं सर्दी के मौसम में भी टंकी के ठंडे पानी में नहाने को मजबूर होना पड़ रहा है। दुबेरवा में एमए प्रवेश में हूँ। मुझे 3 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। बरसात के टाइम पे यहाँ पे पानी भर जाता है बहुत सारा, और जिसकी वजह से पीछे जो गटर नाले हैं उसका पानी भी इधर आ जाता है, पानी मिल जाता है, जिसकी वजह से हम इस कॉलेज जाते हैं, कहीं कोचिंग जाते हैं, उसमें समस्या रहती है निकलने में। निकलते हैं तो उसका सारा कीटाणु पानी की वजह से हमारी बीमारियाँ फैल जाती है। और सर्दी के दिनों में हम जब भी बाहर जाते हैं, कोचिंग जाएंगे, जल्दी उठेंगे, जल्दी नहाएंगे ठंडे पानी में, तो हम बीमार हो जाते हैं। ठंडे पानी से नहाने की वजह से हमारे हाथ पैरों में सुन दौड़ जाती है। मेरा नाम आकांक्षा मालव है, मैं BSTC फर्स्ट ईयर में हूँ, और मैं यहाँ सावित्री बाई फुले छात्रावास में 1 साल से रह रही हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, जैसे कि सर्दियों में ना तो मतलब ठंडा पानी आता है, तो वहाँ पे ना तो गीजर की व्यवस्था है ना कुछ ही और व्यवस्था हो रही है, तो ठंडे पानी से नहाने से बहुत सारी लड़कियाँ बीमार हो जाती है। और जैसे कि बरसात में भी यहाँ पे बाहर बहुत सारा पानी भर जाता है, तो निकलने में दिक्कत आती है लड़कियों को, और भी बहुत सारी, और ना यहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था है ढंग से। BA फाइनल में हूँ, मेरा नाम भारती मेघवाल है, मैं यहाँ 2-3 साल से रह रही हूँ। यहाँ हर टाइम मतलब हर साल आता है सर्दी का, उस टाइम पे यहाँ पानी की प्रॉब्लम होती है, ठंडा होता है सुबह सुबह। जो लड़कियाँ सुबह सुबह कोचिंग जाती है उनको उस ठंडे पानी से नहाना पड़ता है, और बीमार हो जाती है कोई, बहुत दिक्कत आती है। ठंडे पानी से नहाया नहीं जाता, और हमारे गीजर लगवा दे तो अच्छा रहे।